मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाति उमरा से बलोचिस्तान के लिए एयरपोर्ट रवाना हो गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज सईद बलोचि, सईद अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने दूसरे सूबों में भी बाकायदा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया है और अभी कुछ ही देर पहले वो जाती उमरा से लाहौर एयरपोर्ट गए हैं और वहाँ से वो खसूसी तैयारे के ज़रिए बलूचिस्तान जाएंगे, क्वेटा पहुँचेंगे जहाँ पर उनका इस्तकबाल किया जाएगा। और पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ अपने इस बलूचिस्तान के दौरे के दौरान मुस्लिम लीग नून की जो तंजीम है वहाँ पर बलूचिस्तान में उसकी सदारत भी करेंगे और इजलास की सदारत करेंगे और इसके अलावा बलूचिस्तान के जो सरकर्दा सियासी रहनुमा हैं उनसे उनकी मुलाकातें भी होंगी। और ज़राए का ये भी कहना है कि 20 से ज़ायद जो बलूचिस्तान के अहम सियासी रहनुमा हैं वो मुस्लिम लीग नून में बाकायदा शमूलियत का भी ऐलान करेंगे और इसके अलावा बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट का भी इम्कान है। तो इस हवाले से बलूचिस्तान का ये जो दौरा है ये खासा अहम है और इसे जो सियासी हलकों में बड़ी पजीराई भी मिल रही है और नवाज शरीफ का बलूचिस्तान का वतन वापसी के बाद ये पहला दौरा है और इसके बाद वो दूसरे सूबों में भी जाएंगे और बाकायदा सियासी सरगर्मियाँ जो वो उनका आगाज़ करेंगे और दूसरे सूबों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नून के जो हुकूमत में इतिहादी जमातें रही हैं उनके जो सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे और आज बलूचिस्तान के लिए नवाज शरीफ के साथ तफसीली तौर पर अपडेट किया। एक बार फिर से बताएंगे कि नून लीग के कायद नवाज शरीफ क्वेटा के लिए रवाना हो चुके हैं, बलूचिस्तान की अहम शख्सियात से मुलाकातें भी की जाएंगी। आपको बताते चलें कि आज क्वेटा पहुंच रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जबकि बलूचिस्तान की अहम सियासी और कबाली शख्सियात नून लीग का हिस्सा भी बनने को हैं।